हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे नोवेनगल कंडेंसेशन के बारे में देखिए इस कंडेंसेशन की बात करें तो ये एक तरह का बेस कैटालाइज्ड कंडेंसेशन होता है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन और ऐसे कंपाउंड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में अल्फा बीटा Compounds का फॉर्मेशन होता है अब इस reaction की बात करें तो ये base -catalyzed aldol condensation के closely related होती हैं। देखिए ये ये हो गया, ketone, और ये हो गया गया और में एक मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, की वजह से एक्टिव हो जाता है देखिए जब ये ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये कार्बन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है जिससे कि यहाँ से ये H+ इजीली रिलीज हो जाता है और इससे ये मिथाइलिन ग्रुप एक्टिव हो जाता है और इसी कारण इन कंपाउंड्स को एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कहते हैं अब इन दोनों की रिएक्शन बेस की में करवाते हैं तो अल्फा बीटा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है देखिए अगर हम कीटॉन की रिएक्शन इथाइल एसिटो एसिटेट के साथ बेस की परजेंस में करवाते हैं तो अल्फा बीटा अनसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है यहां पर इथाइल एसिटो एसिटेट एक तरह का एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होता है अब डिफरेंट टाइप के एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स में जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस का ऑर्डर ये हो जाएगा मींस अगर किसी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो उस एक्टिव मिथाइल कंपाउंड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है अब इस कंडेंसेशन में बेस कैटलिस्ट की फॉर्म में जनरली अमाइन का यूज किया जाता है और यहाँ पर जो बेस यूज किया जाता है उसका फंक्शन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से प्रोटॉन को रिमूव करना होता है अब अगर हम एसिड ऐड कर देते हैं तो उस केस में रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो जाती है अब बात करते हैं मैकेनिज्म की तो देखिए पहले कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है जब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो यहां से एक प्रोटॉन रिलीज होता है और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है अब ये कार्ब एनायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज़ हो जाता है फिर इसके बाद जो कार्बेनायन बनता है वो एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक करता है देखिए ये हो जाएगा कीटोन जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बोनाइल कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाएगा फिर ये कार्बनाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा और एक एनाइन का फॉर्मेशन करेगा अब इस एनाइन का जब प्रोटोनेशन करते हैं तो इस ऑक्सीजन के साथ एक प्रोटॉन अटैच हो जाएगा अब इसका हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहां से एक H+ और यहाँ से एक हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं और उससे अल्फा बीटा सेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है